बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रैब वसीम अली, एग्रेरियन एग्रेरियन नेटवर्क चैनल पर अपने काश्तकारों को, अपने नाजरीन को वेलकम करते हैं। काश्तकार दोस्तों, आज का मौजू गुफ्तगू ये है, नेट्रोफास फर्टिलाइज़र क्या है, नेट्रोफास फर्टिलाइज़र की अफादियत क्या है। काश्तकार दोस्तों, नेट्रोफास फर्टिलाइज़र बेसिकली उसमें न्यूट्रन कौन कौन से हैं, उसमें नेट्रोफास फर्टिलाइज़र में काश्तकार दोस्तों नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है। नाइट्रोजन जो हम यूरिया से हासिल करते हैं, फॉस्फोरस जो हम DAP से हासिल करते हैं, और नेट्रोफास में NP में, नेट्रोफास में इस दोनों को मिक्स करके डाल दिया गया है और ये एक नेट्रोफास मिक्सचर है। काश के दोस्तों, नेट्रोफास की मैं बात कर लूँ तो सरसब्ज की नेट्रोफास जिसमें 22% नाइट्रोजन है और 20% फॉस्फोरस है, उसमें वो हम अप्लाई करते हैं और नेट्रोफास का भी ज़बरदस्त रिजल्ट है। उसका हम तमाम फसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम मकई पर कर सकते हैं, उसका नेट्रोफास का हम गंदम की फसल पर कर सकते हैं, हम धान की फसल पर कर सकते हैं, हम सब्जियात पर कर सकते हैं। काश के दोस्तों, नेट्रोफास बेसिकली एक तेजाबी खाद है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त अच्छा रिजल्ट देती है और मिक्सचर होता है नाइट्रोजन खाद का और फॉस्फोरसी खाद का। और अब काश के दोस्तों, ऑलमोस्ट अब प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हर कंपनी ने अपना प्लांट लगाया और नेट्रोफास वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उसमें हर कंपनी की हर इदारे का डिफरेंट फार्मूला हो सकता है। कुछ का 10-18 हो सकता है, कुछ का 15-20 हो सकता है। मतलब हर इदारे की अपनी जो फार्मूलेशन है, या उसमें नाइट्रोजन रखने का या फास्फोरस रखने का, वो फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। आगे काश्तकार दोस्तों, रिजल्ट की मैं बात करूं तो इस फास्फोरसी और नाइट्रोजनी खाद का एक अच्छा ज़बरदस्त रिजल्ट है। आप इसको फसल की बढ़ोतरी की स्टेज पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपकी कोई भी फसल है वो इनिशियल सोइंग टाइम से लेकर आपकी फसल जो पहले 60-70 डेज तक है, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजाई पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त अच्छी फॉस्फोरसी खाद है। डिपेंड यही करता है कि वो इदारा मुस्तन है तो वो उनका जो उसमें परसेंटेज की उन्होंने अपने बैग पर लिखी हुई, वो बैग पर परसेंटेज वाकई जैनवर वो परसेंटेज उस खाद में पाई जाती भी हो, तो तब ये वाकई एक जैनवर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। काश्तकार दोस्तों, NP पर नेट्रोफास पर ये एक मालूमाती मैसेज था जो अग्रेरी नेटवर्क चैनल पर हमने आप अपने नाजरीन तक, अपने काश्तकारों तक पहुंचाया। और हमारे चैनल अग्रेरी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और एग्रीकल्चर फसलों की मालूमात लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमें हमेशा दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।